हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सारे वीडियो है वो कंप्यूटर ही कंप्यूटर पे वीडियो आ रहे हैं, तो हम लोग तो कंप्यूटर है वो यूज़ ही नहीं करते। तो आज उनके लिए खास वीडियो है। ऑलमोस्ट फेसबुक है वो सभी यूज़ करते हैं, तो मैं आज आपको ऐसी 5 गलतियाँ बताऊँगा जो आप सभी फेसबुक पे करते हो, और मैं उन गलतियों को ना करने के लिए बोलूँगा। तो आज के बाद है वो ऐसी गलतियाँ न करें। यदि आप एक फेसबुक यूज़र है, आप फेसबुक चलाते हो, तो इन 5 गलतियों का है वो विशेष करके ध्यान रहे कि आपके अकाउंट में आप जो भी फेसबुक यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका अकाउंट है उसके अंदर ये 5 गलतियाँ हैं वो इन फ्यूचर न हो। अभी जो हो गई वो हो गई, लेकिन आगे फ्यूचर के अंदर ऐसी गलतियाँ न करें। तो ये सब बात करने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्केप ना करें, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखें, तभी आप है वो सीख पाओगे। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। गलती नंबर एक, आप देखते होंगे कि आप जब भी फेसबुक यूज़ करते हो, तो फेसबुक यूज़ करते हो तब थर्ड वेबसाइट, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती हैं जैसे ऐप होती हैं, जिनके वजह से आप लोगों के पास ऐसे मैसेज आते हैं कि आप चेक करो कि इसके अंदर आप विजिट करोगे तब मतलब आपको पता चलेगा कि आपकी शादी कब होगी, या आपकी वाइफ कैसी होनी चाहिए, या जो भी पीएम मोदी आपसे क्या कहना चाहते हैं। इस टाइप के बहुत सारे आपको ऐसे ऐप मिलेंगे जिन पे आप विजिट करते हो और आप लोग चेक करते हो कि आपका फ्यूचर है वो क्या होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। जैसे ही आप वहाँ पे लॉगिन करते हो, तब उस थर्ड वेबसाइट के पास आपका सारा डेटा है वो लीक हो जाता है, और सारा डेटा है वो सेव हो जाता है, और आपकी जो भी प्राइवेसी है वो उनके पास चली जाती है। तो ये ऐसी गलती आगे न करें। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। इस टाइप से आपको बहुत सारे ऐसे दिखाते हैं कि ये चेक कीजिए, भविष्य में आप कितने पैसे वाले बनोगे, या जो भी बहुत सारी ऐसे फेसबुक पे आती है। तो ऐसी गलती है वो अब से न करें। अब बात करते हैं गलती नंबर दो। तो गलती नंबर दो है, खास करके चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके लिए है। फेसबुक पे जल्दी से किसी पे ट्रस्ट न करें, फेसबुक को फेसबुक तक ही रखें, रियल लाइफ में ऐड न करें। तो फेसबुक पे किसी पे वो ट्रस्ट न करें। यदि आप एक लड़के हो तो लड़की पे ट्रस्ट जल्दी से न करें, क्योंकि आजकल ऐसी बहुत सारी ऐप हैं जिनके अंदर आप कोई भी आवाज़ है वो चेंज कर सकते हो, मेल से फीमेल आवाज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इन सब से सेफ रहें, क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ा क्राइम यही चल रहा है। तो इन सब से सावधान रहे, चाहे कितना भी मीठा बोले तो इनसे थोड़ा दूर रहें। तो मोस्टली ये गलती अब आपको नहीं करनी है। तो बात करें गलती नंबर तीन की। तो गलती नंबर जो तीन आप लोग मोस्टली करते हो फेसबुक पे, कोई भी आपका मतलब खास फ्रेंड हो या आपके कोई भी रिलेटिव या रिश्तेदार हो, तो वो आपको मैसेज करते हैं कि मैं मुझे यहाँ पे अर्जेंट हूँ, मुझे 2000 रुपये चाहिए या 4000 रुपये चाहिए, आपको मैसेंजर पे मैसेज करता है। तो इस टाइप के जो मैसेज आते हैं, तो बहुत से लोग हैं वो पे भी कर देते हैं कि खास उनको कहीं इमरजेंसी हो गई होगी तो फ़ोन नहीं कर पाएंगे, फ़ोन नहीं कर पाए होंगे, या शर्म आ रही होगी फ़ोन करने के लिए। इस तरीके से बहुत सारे वहम है वो मन में रख देते हैं और उनको पे कर देते हैं, और उसके बाद क्या होता है आपके साथ धोखा हो जाता है कि रियल में वो थे ही नहीं, उन फेसबुक अकाउंट है वो हैक हो चुका था, किसी ने हैक कर लिया था और उसने आपसे पैसे मांगे थे। तो इन चीज़ का है वो विशेष करके ध्यान रखें। यदि फेसबुक मैसेंजर में आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है, तो उनको आप पे न करें, पहले कंफर्म करें कि वो है या कोई और ही है। तो इस गलती का है वो विशेष करके ध्यान रहे। यदि फेसबुक मैसेंजर पर आपके कोई मैसेज आता है इस टाइप के, तो उसको पहले कंफर्म करें कि फेसबुक में वही है या कोई और है। अब बात करते हैं गलती नंबर चार की। गलती नंबर चार की, आप जब भी फेसबुक ऑन करते हो तो बहुत सारी ऐसी ऐप के ऐड आते हैं फेसबुक पे कि आप इस ऐप को इंस्टॉल करो, ये है, या जो भी एक्स वाई जेड जो भी ऐप आती है। मैं किसी का ऐप का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बना रहा हूँ। तो ऐसी बहुत सारी ऐपें आती हैं जिनका आप देखते होंगे कि ऑलमोस्ट बहुत सारी ऐसी ऐप आती हैं कि इनमें ये मिलता है आपको, ये होता है। तो ऐसी ऐप को वो डाउनलोड न करें, क्योंकि इन ऐपों को डाउनलोड करने से आपकी सिक्योरिटी को भी खतरा रहता है। हाँ, यदि वो गूगल प्ले स्टोर के अंदर है तो आप आराम से वो डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉलेशन कर सकते हो, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर के अंदर आने के लिए उनको कुछ टर्म कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, जबकि थर्ड वेबसाइट से यदि कोई ऐप आप डाउनलोड करते हो तो उन पर कोई कंडीशन है वो लागू नहीं होती।
तो इस गलती का भी एक विशेष करके ध्यान रहे, क्योंकि फेसबुक पे हम लोग बहुत सारे प्राइवेट मैसेज या जो भी करते हैं वो सारे के सारे फेसबुक है वो अपने सर्वर पर क्या करती है, स्टोर करती है। और जैसे ही हमारा कोई फेसबुक हैक कर लेता है कोई भी ऐप वाला या जो भी कोई भी, तो वो सारी की सारी अपनी जो भी प्राइवेसी है वो सारी की सारी सामली पार्टी के पास भी चली जाती है जिसने हमारा अकाउंट है वो हैक किया है। गलती नंबर 5, यदि आप फेसबुक पर प्राइवेट चैटिंग कर रहे हो, वीडियो फोटोज़ का शेयरिंग कर रहे हो, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि ऐसी गलती बिल्कुल न करें, क्योंकि फेसबुक आपका जितना भी डेटा होता है वो एक सर्वर पे सेव रहता है। बाय चांस कभी भी आपका अकाउंट है वो हैक हो जाए तो आपकी सारी प्राइवेसी है वो लीक हो जाती है, तो ऐसी गलती है वो बिल्कुल भी न करें। तो दोस्तों, मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी देने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें, और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर करें, और ऐसे ही टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।